पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये केस स्टडी में भी आता है, बात नहीं करते सिर्फ समझने पर फोकस करना। पहले समझ लेते हैं, नोट करने का अलग से टाइम दूंगा आपको, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस अलग से क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं किए। ओके, सो यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन है वो कह रहा है पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट, एक दूसरे से कितनी दूर है 70 किलोमीटर। पुट योर पेंस डाउन एंड फोकस ऑन लर्निंग। कितना किलोमीटर है ए और बी? 70 किलोमीटर ऑन अ हाईवे। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मींस एक साथ एक कार तो ए से स्टार्ट हुई है और एक कार कहाँ से स्टार्ट हुई है? बी से। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे विल मीट इन 7 आवर्स। समझना ध्यान से, ये फर्स्ट केस है। आपके पास ए और बी दो पॉइंट्स हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर। एक कार है जो ए पॉइंट से स्टार्ट हुई है और एक कार है जो बी पॉइंट से स्टार्ट हुई है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, या तो राइट साइड जा रहे हैं या लेफ्ट साइड जा रहे हैं, दोनों में। ठीक है, बोथ आर गोइंग इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, डेट मीन्स बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, आइदर बोथ आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन और बोथ आर गोइंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और 7 घंटे बाद वो किसी एक पॉइंट पर मीट भी कर जाते हैं, तो 7 आवर्स लेटर वो किसी पॉइंट सी पर मीट कर गए। ठीक है, तो सी क्या हो गया? मीटिंग पॉइंट। सी कौन सा पॉइंट हो गया बच्चे? यहाँ पर ये दोनों मीट करने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ए तेज चल रहा होगा और बी धीरे धीरे चल रहा होगा, तभी तो आगे जाके मिल गए। सोचो ए और बी कितने डिस्टेंस पर है, ए से एक कार स्टार्ट हुई, बी से एक कार स्टार्ट हुई, साथ में साइमल्टेनियसली दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, किसी एक पॉइंट पर जाकर आपको मिल गई। किस पॉइंट पर मिली है? सी एक मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर दोनों कार्स मिल गई हैं, तो ए ने भी सी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ और बी ने भी सी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ। ए ने भी सी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ और बी वाली कार ने भी सी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ और सी पर पहुंचकर ये दोनों मीट हो गई हैं। अगर ये दोनों मीट हो रही है तो इसका मतलब ए तेज चल रहा होगा और बी धीरे धीरे चल रहा होगा। कितने बच्चे एग्री करते हैं इस बस? यही ध्यान है सभी का? बताओ ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वाली कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया? ए वाली कार को कार वन बोल दो, तो कार वन ने ए से लेकर सी तक डिस्टेंस कवर किया, 70 नहीं किया, ए से लेकर कहाँ तक गया? सी तक। 70 तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस था, ए चलना शुरू हुआ सी पॉइंट पर मिल रहा है, तो इसका मतलब ए कहाँ से कहाँ तक गया होगा? ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक। ठीक है, ऐसे ही डिस्टेंस कवर्ड बाय कार टू, जो कार टू है, ये कार वन थी, ये कार टू, कार टू कहाँ से शुरू हुई थी? इस पॉइंट तक गई है, तो कार टू पर जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो कितना होगा? कुछ समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? अब हमें दोनों की स्पीड नहीं पता और बाद में यही पूछा है कि दोनों की स्पीड बताओ, तो स्पीड को क्या मान लेंगे? एक्स, एक को एक्स, दूसरे की वाई। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टार्टिंग में जो हम लिखेंगे फर्स्ट केस बनाने से भी पहले, लेट द स्पीड ऑफ कार वन equals to x, let the speed of car 2 equals to y, दोनों की स्पीड मान ली। दोनों को टाइम कितना लग रहा है? 7 hours। कितना टाइम लग रहा है? 7 hours। इसका मतलब ए वाली कार ने भी 7 hour तक चली होगी और बी वाली कार भी 7 hour तक चली होगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम होता है, ये किस किस को पता था? वैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? लाउडली बोलो एक बार। इतना लाउडली, लाउडली बोलो एक बार। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्पीड कितनी है इस केस में? एक्स। कितनी लेग पे रखी है? एक्स। और टाइम? 7 hours। टाइम कितना लग रहा था? 7 hours। तो स्पीड इनटू टाइम, एक्स इनटू, तो डिस्टेंस एसी कितना आ जाएगा बच्चों? एक्स इनटू 7।
बताओ दूसरी कार की स्पीड कितनी है? दूसरी कार की स्पीड कितनी है? टाइम उसको भी कितना लग रहा है? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? c into that means y into, यहाँ तक बताओ किस किस को क्लियर हो, दोनों डिस्टेंसेस क्लियर हो रहे हैं? कार a ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ac, स्पीड into टाइम उसका फॉर्मूला रहा, स्पीड उसकी x थी, टाइम उसको 7 लग रहा था। फिर कार b ने जो कार 2 ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो b से c तक गई है, तो उसका डिस्टेंस हो गया bc, उसकी स्पीड थी y और टाइम उसको भी 7 आवर्स लग रहा था, तो स्पीड इंटू टाइम y इंटू 7। अब ध्यान से देखोगे तो यू विल नोटिस कि ए बी और बी सी और ए सी तीनों में कुछ रिलेशन है। ए बी बी सी और ए सी में क्या है? ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी लिख सकता हूँ। ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, ए बी और बी सी को ऐड कर दूँ तो किसके इक्वल आएगा? तो खुद से ऐड कर लें, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी कितना है बच्चों? वैल्यू रख दें डायरेक्ट, ए बी की वैल्यू कितनी है? 7। बी सी कितना है बच्चों? 1 इंटू 7, 7 वाई लिख दूँ उसको, 1 इंटू 7 को क्या लिख रहा हूँ? 7। ए सी कितना है बच्चों? x into 7, x into 7 को 7x लिखते हैं, इसको कॉमन ले लेना, 7 कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएंगी कुछ चीजें, जो आएगा सॉल्व करके वो क्या बनेगी आपकी? फर्स्ट इक्वेशन। क्या बनेगी वो? दो वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से काम हो जाएगा या एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी? एक और इक्वेशन की यहाँ पर नीड पड़ेगी। चलिए देखते हैं, बनाते हैं एक और इक्वेशन। ध्यान से समझना, जिनको नहीं समझ आ रहा ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को और ध्यान से समझना, उससे और ज्यादा क्लैरिटी है। दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 70 किलो। कितना डिस्टेंस है? वो कह रहे हैं कि अगर वो दोनों कार एक ही डायरेक्शन में ना चलकर एक दूसरे की तरफ चले, ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर का मतलब है कि अगर ए वाली कार इधर आ रही है तो बी वाली कार उसकी तरफ जा रही है। पहले दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, या तो राइट या लेफ्ट, अब एक राइट जा रही है और एक लेफ्ट। अब जल्दी मिलेंगी या देर से मिलेंगी? कितने बजे कह रहे हैं जल्दी मिल जाएंगे? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अब दोनों कार जल्दी से मिल जाएंगी क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। ओके, पहले वाले की स्पीड कितनी है? दूसरे वाले की स्पीड कितनी है? इस बार टाइम कितना लग रहा है? जितनी देर में मिल रही है वो आपस में, तो यहाँ पर मान लीजिए वो किसी पॉइंट सी पॉइंट पर मिल जाता, तो यहाँ पर सी पॉइंट क्या हो गया? मीटिंग पॉइंट। सी पॉइंट क्या हो गया? कंफ्यूज तो नहीं होंगे इससे? बताओ बच्चों, ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? सॉरी, कार वन ने, कार्बन ए पॉइंट से चली है और कहाँ तक गई होगी? सी पॉइंट तक। तो कार्बन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? ये चीज समझ आ रही है सभी को? अब मुझे बताओ कार वन की स्पीड कितनी थी? टाइम कितना लग रहा है? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो x इंटू स्पीड x, टाइम वन लग रहा है। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार टू, कार टू बी से चली है और कहाँ तक पहुँची है? सी। तो कार टू ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? बी। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, कार बी की स्पीड वाई और टाइम कितना लगा उसको? तो वाई इंटू, यहाँ तक सही कर रहा हूँ मैं आपके हिसाब से? फिर से वही वाली कंडीशन, कौन सी कंडीशन थी कि ए सी और बी सी को मिलाकर ए बी बन रहा है? क्या बन रहा है? ए सी और बी सी को मिलाकर पूरी लाइन क्या बन रही है? तो इसी को लिख रहे हैं ए सी प्लस बी सी गिव्स यू, फिगर में समझ आ रहा है ना, ए सी प्लस बी सी गिव्स यू ए सी। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू कितनी है? x इंटू वन, तो x इंटू वन को 1x लिख सकता हूँ,
वन को लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक्स भी लिख सकता हूँ, एक्स आ जाएगा। बी सी की वैल्यू क्या थी, वाई इंटू वन, वाई इंटू वन को वन वाई लिख सकते हैं, वन को लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल वाई भी लिख सकते हैं। और ए बी कितना है, 70 है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। ये बन जाएगी आपके पास सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकेंड इक्वेशन ये बन गई है, टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स, यू कैन सॉल्व देम, कर लीजिए नोट, कोई डाउट है तो पूछिए। अगर आप लेंथ और ब्रेथ दोनों को रिड्यूस कर दें दो यूनिट से, तो जो एरिया है वो 28 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो जाता है। लेंथ को भी रिड्यूस करना है, लेंथ इज इंक्रीज एंड ब्रेथ रिड्यूस ईच बाय टू यूनिट्स, लेंथ को इंक्रीज करना है, ब्रेथ को डिक्रीज। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ करके क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ करके क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ करके क्या आता है, एरिया पहले कितना था, एरिया पहले कितना था, अब वो कह रहे हैं एरिया रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस मतलब माइनस या प्लस, कितना रिड्यूस होगा, 28, कितना रिड्यूस होगा, ये लेंथ थी, ये ब्रेथ थी, लेंथ इंटू ब्रेथ करके एरिया आता है। वो कह रहे हैं कंडीशन क्या लगा रहे हैं, कि जो एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा बाय 20। बताइए ये किस किस को क्लियर होगी, क्लियर है ये कंडीशन, ये हो गया फर्स्ट केस। इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्स की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, फिर टू की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से करेंगे, ये साथ साथ नोट कर लीजिएगा, इसको इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 28 एज इट इज। चलो उसके बाद एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू टू टू एक्स, टू इंटू वाई टू वाई, टू इंटू टू एक्स वाई माइनस 20। कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, माइनस टू एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर, वो जो माइनस 28 है इधर आकर क्या आ जाएगा, प्लस 28, और उधर क्या बचेगा, क्या बचेगा उधर, तो माइनस टू एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर प्लस 28 प्लस 24 इक्वल्स टू, जैसे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी, सिंप्लीफाई करके कॉमन लेकर उसके बाद सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन डिस्कस करें, ये वाली नोट डाउन हो रही है सबकी, सेकंड कंडीशन में बताओ क्या गिवन है, उन्होंने कहा है सेकंड कंडीशन में, इफ हाउएवर द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय वन यूनिट या फोर यूनिट, वन लिखा है, लेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं बाय वन यूनिट, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय टू यूनिट, ब्रेथ को इंक्रीज कर रहे हैं टू यूनिट से, ये क्या आपके पास लेंथ, ये क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ करके क्या आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ करके क्या आता है, एरिया कितना था पहले, कितना था एरिया, वो कह रहे हैं एरिया इंक्रीज कर जाएगा कितने यूनिट्स, कितना 33 यूनिट्स, एरिया कितना इंक्रीज कर जाएगा 33 यूनिट्स, एरिया कितना इंक्रीज कर जाएगा 33 यूनिट्स, लेंथ इनटू ब्रेथ is equals to area according to question, area is increasing by 33, तो पहले area आपका xy था, तो अब कितना हो जाएगा xy plus 33, अब कितना हो जाएगा xy plus 33, इसको solve करके हम second equation बना सकते हैं, x की multiply पूरे bracket से, minus 1 की multiply पूरे bracket से, करें solve इसको, चलिए सूरज आप बताओ जल्दी से क्या क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, एक्स वाई, सूरज लाउडली बोलो, क्या बोल रहे हैं, प्लस टू एक्स, माइनस वन की वाई से करेंगे वन बाय, प्लस माइनस माइनस, एनीथिंग जो कैंसिल हो रहा है,
y x y, 2x minus 1y, इस 2 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो इधर माइनस कर दो तो इधर जाकर प्लस, 2x minus y equals to 35, this will be your second equation. दो इक्वेशन है सर, हम दोनों को सॉल्व किए। ए एंड बी है सम मनी, कुछ पैसे ए के पास है और कुछ पैसे बी के पास है, हमें नहीं पता। लेट मनी ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स, लेट मनी ऑफ बी इक्वल्स टू वाई। क्वेश्चन क्या है कि अगर ए बी को 30 रुपीस दे दे, जरा इसको पेन रोके समझिएगा कंडीशन। आगे एक और क्वेश्चन है इसके जैसा, अभी डिस्कस करेंगे। ए 30 रुपीस किसको दे रहा है, बी को। ए के पास छः कितने, एक्स थे, 30 उसने दे दिए। अगर 30 उसने दे दिए हैं तो एक्स माइनस 30 हो गया। आगे कहते हो इस बात से, एक्स थे, एक्स में से 30 उसने दे दिए हैं, तो अगर उसने 30 किसी को दे दिए हैं तो इसका मतलब उसके पास 30 कम हो गए हैं। किसको दिए हैं, बी को। बी के पास कितने थे, तो y के पास अगर पैसे आए हैं तो y प्लस 30 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा प्लस 30, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं देन b विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद a, b के पास जो पैसा है, कितना पैसा है b के पास, वो a वाले का डबल हो जाएगा। a वाले से क्या हो जाएगा, दोबारा समझना, ए के पास एक्स रुपीज़ हैं, बी के पास वाई रुपीज़ हैं। वो कह रहा है अगर एक्स 30 रुपीज़ बी को दे दे, वाई को दे दे, तो सॉरी ए 30 रुपीज़ बी को दे दे, तो ए के पास पहले एक्स थे, अब कितने बचे हैं, एक्स माइनस 30। बी के पास पहले वाई थे, अब कितने हो गए हैं, वाई प्लस 30। तो वो कह रहे हैं बी के पास जो मनी है वो ए की मनी से डबल हो जाएगी। देन बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद ए, बी के पास जो मनी है वो ए की मनी से क्या हो जाएगी, डबल। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके हमारे पास क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। जिनको समझ नहीं आया वो दोबारा फोकस करेंगे सेकंड केस पर, ये फर्स्ट केस। सेकंड केस में बच्चों को कह रहे हैं इफ बी गिव्स 10 टू ए, बी कितने रुपीज दे ए को, 10, तो B के पास कितने हो जाएंगे, y थे, y माइनस 10। A के पास पहले से कितने थे, 10 और आ रहे, तो x प्लस। अगर ऐसा हो कि B 10 रुपये y उसको दे दे A को, तो क्या होगा, तो पहले तो ये समझो B के पास y थे 10 दे दिए तो y माइनस 10, A के पास x थे 10 आ गए तो x प्लस 10। वो कह रहे हैं अगर ऐसा कुछ होगा तो A will have thrice as much as is left with B, तो A के पास जो मनी है वो B के कितने टाइम्स होगी, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स होगी, A के पास जो मनी है वो B से कितने टाइम्स होगी, 3 टाइम्स। A के पास जो मनी है वो B से कितने टाइम्स होगी, 3 टाइम्स। बताओ किस किस को क्लियर होगा, बोथ कंडीशंस आर क्लियर, इससे सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी। जल्दी से नोट कर लो, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लो, जिससे इसमें नोट कर लिया। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर x आ रहा है 62 और y आ रहा है 34। इस तरह के क्वेश्चन में ज़रूर अपने आंसर को वेरीफाई कर लिया करो, चेक कर लिया करो कि सही है नहीं। वो कह रहा था कि अगर a b को 30 रुपीस दे दे तो a के पास कितने रह जाएंगे, 62 माइनस 30 कितना बचता है, जल्दी बताया करो, कितना बचा है, 32। तो अब इसने 30 दे दिए हैं, किसको दिए हैं, बी को दिए हैं, बी के पास प्लस हो जाएंगे 30, कितना आएगा, 16। तो वो कह रहा था अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो बी के पास जो मनी है वो डबल हो जाएगी, तो 32 का डबल कितना होता है, 32 का डबल कितना होता है, तो ये कंडीशन सही बैठ रही है, वेरीफाई होगी। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, बी गिव्स 10 टू ए, बी के पास कितने पैसे थे, एक्स के पास 62 बताया आपने और वाई 34। वो कह रहा है अगर बी 10 रुपये दे दे, तो अगर बी 10 रुपये दे देगा तो माइनस हो जाएंगे उसके पास से, कितने बचेंगे, 24। और इसको 10 रुपये मिल रहे हैं तो इसके पास प्लस हो जाएंगे 72। अगर ऐसा होता है तो ए 3 टाइम्स हो जाएगा, 24 इंटू 3 कितना होता है, 72।
तो सही आ रही है हमारी कंडीशन, दैट मीन्स हमारा आंसर पूरी तरह से ABCD is a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral ninth में पड़ा हुआ है, जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसको हम क्या कौन सा quadrilateral बोलते हैं? Cyclic quadrilateral. एक ऐसा quadrilateral जिसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? Cyclic quadrilateral. एंगल A की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 4y plus 20. मैं साथ साथ नोट भी करते जाओ, समझते हो. एंगल बी की वैल्यू कितनी गिवन है? 3y-5. ये फिगर से शो कर रहे हैं सारी चीजों. एंगल सी की वैल्यू कितनी है? 4x. एंड एंगल डी की वैल्यू है 7x+5. ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात ये होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180. क्या आप बता सकते हैं ए के अपोजिट एंगल कौन सा है? ए के अपोजिट एंगल कौन सा है? सो सिंस इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दैट इज वाई इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री. तो एक तो एंगल और एंगल ए और एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा, और सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी, इन दोनों का सम भी कितना होगा? एंगल ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4y+20. और एंगल सी की वैल्यू कितनी है? 4x=180. 4x+4y, ये 20 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा. 180 में से माइनस करेंगे 160 आएगा. 4 कॉमन आएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड, 160 डिवाइड बाय 4, 160 डिवाइड बाय 4, 40. दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली वी कैन मेक द सेकंड इक्वेशन बाय सॉल्विंग एंगल बी प्लस एंगल डी. एंगल बी इज 3y-5, एंगल डी इज 7x+5. इक्वल्स टू 180 डिग्री. 7x+3y-5+5 कैंसिल इक्वल्स टू 180 डिग्री. दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन. यू हैव टू इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, यू कैन सॉल्व देम इजीली. ये जो टेस्ट है, जिस टेस्ट की इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन में बात हो रही है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूडेड है. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तब होती है जब कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके मार्क्स कट जाते हैं. कटने का मतलब प्लस या माइनस? माइनस होना. ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना, जनरल नॉलेज का पूरा यूज करना. यश ने स्कोर किया 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, उसके टोटल मार्क्स बैठे 40 मार्क्स. अगर उसे सही आंसर के 3 मार्क्स मिलते थे और गलत आंसर का एक नंबर कट जाता था, एक नंबर क्या आता था? रॉन्ग आंसर का कट जाता था, तो टोटल मिलाकर उसके कितने बैठे? 40 मार्क्स. यश ने एक टेस्ट दिया, टेस्ट में जो क्वेश्चन ठीक करता है उसके 3 मार्क्स मिल जाते हैं, जो क्वेश्चन उसने गलत किया उसका 1 मार्क्स उसका कट जाता है. तब जाकर उसका जितने मिलने थे और जितने कटने थे, तब जाकर उसका ओवरऑल स्कोर कितना बैठा है? 40 मार्क्स. आपको नहीं पता कितने क्वेश्चंस पेपर में हैं और कितने उसमें से सही हैं और कितने उसमें से गलत हैं. तो हम क्या लेट करते हैं, लेट दी करेक्ट क्वेश्चंस या फिर आंसर्स इक्वल्स टू एक्स. करेक्ट वाले कितने हैं? लेट दी इनकरेक्ट क्वेश्चंस, इनकरेक्ट वाले कितने बच्चों? वाई. जरा पेन रोक कर कंडीशन समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट केस मैं बनाऊंगा, सेकंड केस आप लोग मेरे खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे. फर्स्ट केस में उन्होंने कहा है कि 3 मार्क्स मिल रहे हैं सही आंसर पर, तो ऐसे कितने सही आंसर्स किए हैं इसमें? एक्स. तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 3 × x. एक सही है तो 3 मिलते हैं, एक्स सही है तो 3 × x. और एक नंबर कट जाता है अगर वो क्वेश्चन गलत करता है. कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं उसने? तो 1 × y उसके कट जाएंगे. तो इसको प्लस करो या माइनस? कितने बच्चे कह रहे हैं माइनस कर दें, क्योंकि मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं ना, तो इसको क्या करेंगे? माइनस. और माइनस करने के बाद उसने कितना स्कोर किया है? 40. तो यहाँ से आपके पास बनती है फर्स्ट इक्वेशन,
3x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सेकेंड केस भी चलो मैं ही बता रहा हूँ, जिनको नहीं समझ आया बोर्ड पर दोबारा देख लेना। एड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर 3 मार्क्स की जगह कितने मार्क्स मिलते सही आंसर पर? 4 मार्क्स। और 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते, कट जाते इनकरेक्ट आंसर के लिए। अब कंडीशन चेंज हो गई है, पहले 3 मार्क्स मिलते थे, अब 4 मार्क्स मिल रहे हैं सही आंसर पर। पहले एक नंबर कट रहा था, अब 2 नंबर कट रहे हैं गलत आंसर पर। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन होती है तो उसके ओवरऑल मार्क्स कितने बैठते हैं? 50 मार्क्स। तो सेकेंड केस के हिसाब से उसने सही कितने किए हैं? x। कितने मिल रहे हैं सही होने पर? 4। तो 4 इंटू एक्स, तो ये हुए उसके सही वाले 4 इंटू एक्स, ये तो उसको मिल रहे हैं। लेकिन कुछ उसने गलत भी तो किए होंगे, जो गलत किए हैं उसके मार्क्स उसके डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। कितने गलत किए हैं उसने? 1। और कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं क्वेश्चन पर? 2। तो 2 इंटू प्लस करें या माइनस? माइनस। और किसके इक्वल रखें? तो ओवरऑल स्कोर बैठा है सेकंड केस में वो बच्चों कितना बैठा है? 50। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? तो अंदर क्या बचेगा? 2x माइनस वाई इक्वल टू 50। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में, 50 डिवाइड बाई 2 इज 25। दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। यू हैव टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स, यू कैन ईजिली सॉल्व देम। बट सुनना मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है टोटल कितने क्वेश्चंस थे, टोटल कितने? तो जो x और y की वैल्यू आएगी उन्हें फाइनली प्लस कर देना कि इतने करेक्ट और इतने सही गलत थे, और इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा? टोटल क्वेश्चन। क्या आएगा? टोटल क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चंस निकालने के लिए x और y को प्लस कर देना एंड। क्लियर हो रहा है? बताइए किस किस को क्लियर है ये पूरा क्वेश्चन? पूछा था अगला, क्लियर है सभी को? जल्दी से कॉपी कर लो, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ। समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को? द फार हायर चार्जेस इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक तो फिक्स्ड चार्ज है और दूसरा कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करने वाले हो उसके हिसाब से चार्ज लगने वाला है। तो फिक्स्ड चार्ज को मान लेते हैं एक्स। मैं साथ साथ नोट कर लीजिएगा इतना पार्ट, जब मैं बोलूँगा समझने के लिए तब पेन रोक दीजिएगा। लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू एक्स, सेकंड नोट कर लो। लेट द चार्ज पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो वाई। तो गाड़ी में अगर बैठ भी गए ना तो एक्स तो देना ही देना, चाहे जाओ या ना जाओ गाड़ी में। वैसे आप बैठ के बाहर निकल गए ना, मूड चेंज हो गया कि मैं नहीं जाता गर्मी बहुत है, तो कहेगा एक्स तो देना ही देना, फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? फिक्स चार्ज। क्या बोल रहे हैं? और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज वाई। तो दोनों आपकी जेब से जा रहे हैं, एक्स भी आपकी जेब से आ रहा है और पर किलोमीटर के हिसाब से वाई भी आपकी जेब से ही जा रहा है। फॉर अ जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर, फर्स्ट केस 12 किलोमीटर के लिए अगर कोई कस्टमर कार को हायर कर रहा है तो उसको एक्स तो देना ही देना है गाड़ी में बैठने का चार्ज, ठीक है? एक्स उसकी जेब से चला गया और पर किलोमीटर के हिसाब से वाई देना है। कितने किलोमीटर का है वो? 12। तो 12 इंटू ये एक्स भी इसकी जेब से गया, 12 इंटू वाई भी इसकी जेब से गया, प्लस दोनों मिलाकर कितने पैसे लगे हैं उसके? कितने रुपीस लगे हैं उसके? दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली यू कैन मेक द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड केस में ही हैज टू ट्रैवल 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर जाना है तो कार में तो बैठना पड़ेगा, कार में बैठना है तो एक्स तो देना ही देना, फिक्स चार्ज है वो। फिर वो 20 किलोमीटर गया तो 20 इंटू वाई, दोनों मिलाकर उसकी जेब से ही गए हैं और टोटल कितने गए हैं उसकी जेब से? 145। दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ यू हैव टू इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, यू कैन इजीली सॉल्व।